हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम रिजल्ट का प्रतिशत निकालना बहुत ही आसान शब्दों में सीखेंगे मान लीजिए किसी कक्षा में 200 बच्चे हैं तो ये जो 200 बच्चे हैं वो 100 परसेंट के बराबर होंगे एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं मान लीजिए किसी छावनी में 1350 सैनिक हैं तो प्रारंभ में ये जो तेरह सैनिक है ये सौ के बराबर ही होंगे दोस्तों आप यहाँ पर ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप हर एक चीज को 100 परसेंट ही क्यों ले रहे हैं ये हम अभी आगे देखेंगे एक और एग्जांपल देखते हैं मान लीजिए कि रमेश की आय है चौंतीस हजार रुपये ये जो चौतीस हजार रूपए है ये भी सौ परसेंट के बराबर होंगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं मान लीजिए किसी भी परीक्षा का जो टोटल मार्क्स है वो है पांच सो तो ये जो पांच सौ होगा ये भी सौ प्रतिशत के बराबर ही होगा उम्मीद करते हैं अभी आपको बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी चीज है उसका प्रारंभ में मान सौ प्रतिशत ही होता है अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है टोटल मार्क्स टोटल मार्क्स है छह सौ तो ये जो छह सौ है ये भी तो सौ परसेंट के बराबर होगा अगर बात सही लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा ये जो 600 नंबर है इनका मान है 100 प्रतिशत तो एक नंबर का मान कितना हो जाएगा 100 बटे छे अब इस क्वेश्चन में जो प्राप्तांक दे रखा है वो है तीन नंबर ये जो तीन नंबर है ये कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगा देखिए एक नंबर का मान है 100 बटे छे तो तीन के लिए इसको 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों यहाँ पर यह भी प्रश्न उठता है कि इसको गुणा क्यों किया गया है इसको भाग क्यों नहीं किया गया मतलब कि तीन से भाग क्यों नहीं किया गया है इसको भी हम देख लेते हैं यदि एक गेंद का मूल्य दो रूपये है एक गेंद दो रूपए की आ रही है तो पांच गेंदों का मूल्य कितना होगा आप कहेंगे दस रुपये हो जाएगा तो आपने यहाँ पर क्या किया दो को पांच से गुणा की है तभी तो दस आया है ठीक है एक गेंद का मूल्य है दो रुपए तो पांच गेंदों के लिए दो गुणा पांच बराबर दस रुपए ओके जब एक का मान है सौ बटे छह सौ तो तीन सौ चौरासी के मान के लिए इसको गुणा कर दिया और सॉल्व कर लिया तो कितने प्रतिशत मार्क्स मिले चौसठ परसेंट मार्क्स मिले हैं उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा अब चलिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें प्रतिशत दिया गया है और प्राप्तांक का मान पूछा गया है में दिया गया है टोटल मार्क्स है 500 प्राप्तांक निकालना है और प्रतिशत है पिछहत्तर तो जैसा की हमने पहले ही देखा कोई भी चीज होती है वो प्रारंभ में सौ ही होती है यानी की सौ का मान है पांच नंबर इतनी बात ठीक है तो अब निकालेंगे एक परसेंट के लिए एक परसेंट के लिए निकालने के लिए 500 को 100 से भाग कर देंगे दोस्तों काफी लोगों के मन में ये भी प्रश्न उठता है कि यहाँ पर भाग क्यों किया गया है गुणा क्यों नहीं की गई है सौ से तो इसको भी हम देख लेते हैं देखिये मान लीजिए कि दो गेंदों का मूल्य है दस ठीक है दो गेंदों का मूल्य कितना हो गया दस हो गया तो एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा पांच रुपए होगा ना तो आपने यहाँ पर क्या किया दस को दो से भाग की है तभी तो पांच रुपए आया है ना तो बस यहाँ पर भी यही काम किया गया है जब सौ का मान पांच सौ है तो एक का मान कितना हो जाएगा पांच सौ बटे सौ सौ से भाग करेंगे अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्टे मार्क्स हैं उनका परसेंटेज है सेवेंटी फाइव परसेंट सेवेंटी फाइव का मान निकालने के लिए इसको गुणा कर देंगे पांच सौ बटे सौ से तो गुणा कर लीजिए तीन सौ नंबर मिले हैं दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा चैनल आपका ये है चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए